भाई हट जा हट जा। धरने किए थे पहले जो सब कुछ हो रहा था वो सिर्फ इसलिए हो रहा था कि हमारे साथ पीएनसी नाइंसाफी कर रही थी, लेकिन अभी इस इतनी से छोटा सा ये मुतालबा हमारा मान नहीं पाई। ये लोग इतने से छोटे से मुतालबे को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। अब उस एक मुतालबे की वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा मुतालबे हो गए। अभी कुछ देर पहले जैसे आपने देखा कि हमने क्या मांगा है, हमने कुछ गलत कहा है, हमने अपना हक़ ही तो मांगा है ना। ये होते कौन है हमें मारने वाले? स्टूडेंट्स पर कौन फायरिंग करता है? कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को मारा जाता है? जब इनको वोट लेने होते हैं तो हमारे दरवाज़ों पे आके भीख मांगते। ये इन्हीं स्टूडेंट्स के वोट्स की वजह से ये लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। जिनको इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है ये जो सब यहाँ पे खड़े हैं, ये किसको सिक्योरिटी दे रहे हैं? वो लायक हैं सिक्योरिटी के? सिक्योरिटी हमें देनी चाहिए। मुहाफिज ये हमारे हैं और ये हमें ही मार रहे हैं। ये मुल्क है हमारा, ये हमारी हुकूमत है।
कि इतना ख्वार हो रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे, जब ये लोग स्टूडेंट्स को मार रहे थे, अब यकीन कर जब हम लड़कियाँ, ये हम लड़कियों से लड़ने के लिए आ रहे थे आगे, तो जितने भी लड़के हैं ये हमारे चारों तरफ खड़े हो गए ताकि हमें कुछ कर ना सके। ये होती है गैरत, इसे कहते हैं कौम। इनकी तरह बगैरत कोई नहीं है। ये काली वर्दी के पीछे छुपे कम ज़र्फ लोग हैं। इन्हें पुलिस वाला कहना, इन्हें हमारे मुहाफिज कहने से भी हमें शर्म आती है। अब यहाँ खड़े ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ा है, इन्होंने कोई तीर मार लिया स्टूडेंट्स को मारना। ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, जब तक ये जो फायरिंग कर रहे स्टूडेंट्स को मार रहे, अभी पहले पीएमसी का मुतालबा था, अभी ये मुतालबा भी है कि हमें एक लीगल नोटिस निकाल के दें कि अगर स्टूडेंट्स जितने दिन तक यहाँ बैठे हैं कोई पुलिस वाला उनको हाथ नहीं लगाएगा, कोई उनको कुछ भी नहीं करेगा, और ये जो जो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं पीट रहे हैं उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाए। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, हम लोगों ने 8 तारीख से प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना कर करके हम लोग 26 दिन पूरे किए। इंशाल्लाह आगे भी हमारा इरादा है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट जाग जाएगा, इंशाल्लाह हमारा उम्मीदें पूरा करेगा, क्योंकि सबको पता है, उनको जो इदारे वाले उनको भी पता है कि हमारा सिस्टम ख़राब है। जाम साहब ने कल भी ट्वीट की थी कि सिस्टम ख़राब है इनका, मुझे पता है लेकिन मुझे इसका मसला हल करवाना है। भाई जब तुम्हें पता है तो आके हमारा मसला हल कराओ, लेकिन हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए हैं। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि पूरे हो जाएंगे। सर हमारे सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बात करो 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 1.5 लाख स्टूडेंट्स फेल कर चुके हैं। अभी बाकी जो मतलब 1 लाख है या 70-80 हज़ार जो रह गए, उनमें से सिर्फ कुछ बच्चों ने पास किया है, बहुत कम, वो भी 1 पॉइंट से पास किया उन लोगों ने, बाकी ज़्यादातर फेल। 95% जो फेलियर रेशो आ रहा है 95% है वो। देखिए मेरा नाम फातिमा बलोच है और मैं खुद एक एनटीटस की तलबा हूँ। 8 सितंबर से हमने ये एहतजाज शुरू किया ताकि हमारे बहन भाई जो टेस्ट देते जा रहे हैं उनको पता चले कि क्या नाइंसाफियाँ हो रही हैं और वो आके हमारा यहाँ पे साथ दें। बिल्कुल ऐसा हुआ, हमारे साथ स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत सी तनजीमें आई जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और टेस्ट जो है ना सर, हमारे जो मुतालबात थे वो सुने भी गए हैं। ऐसा नहीं कि हुकूमत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, हुकूमत ने रिस्पांस दिया लेकिन सर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम चाहते थे कोई अमल दरअमल हो, कुछ कोई ऐसा एक्शन हो जिससे हमें साबित हो कि वाकई हुकूमत तक हमारी बात पहुंच रही है, लेकिन सर कोई एक्शन नहीं हुआ। कल जो हमारे CM हैं उन्होंने एक ट्वीट किया कि स्टूडेंट्स को जो है ना मैं उनके सारे मुतालबात सुनूंगा भी और उन पर जो जायज़ मुतालबात होंगे उनको मैं पूरा भी करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हमें बुलाया गया ना से बात की गई। हम आज इसलिए इधर आए थे ताकि हमें लगा था कि हमें वज़ीर आला साहब बुलाएंगे अपने पास और हमसे पूछेंगे कि हमारा क्या मसला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। हमारा अभी तक एक मुतालबा भी नहीं माना गया, और आइंदा के लिए हमारी ये हमारा ये मुतालबा कि अगर हमारे अभी के मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम इस धरने को जारी रखेंगे, बल्कि इस तहरीक में एक शिद्दत आ जाएगी सर। तहरीक तो चलाएंगे क्योंकि हमारा एक मुतालबा नहीं है जो PMC पूरा करेगी। PMC के अलावा हमारा एक और मुतालबा भी है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो हमें 133 मेडिकल की सीट्स हर साल देती थी, हमें और फाटा को, ये वो मुतासरा इलाके हैं जिनको ज़रूरत होती है सीट्स की, तो हमें सीट्स मिल रही थी, लेकिन सर 2020 में उन्होंने ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, जबकि उस्मान खान काकड़ ने इस प्रोग्राम को 2022 तक मुलतवी करवा दिया था, लेकिन सर हमें वो सीटें भी 133 नहीं मिल रही। और अभी जो बलूचिस्तान में जितनी सीटें हैं, अगर बच्चों को इसी तरह फेल रखा गया, और मैं आपको अभी भी इस बात की गारंटी दूं कि बलूचिस्तान में 80% तलबा फेल हैं और 20% पास हैं। पास भी वो तलबा हैं सर जिनको पता, जिनके लिए टेस्ट थोड़ा बहुत सर, वो नहीं कहते कि आसान आ गया, या उनके हिस्से में ऐसे सवाल आए जो किताबों से लिए गए थे, ठीक है, तो सर वो उन्होंने वो पास कर लिया, लेकिन उनकी भी यही मुतालबात है। हमारे साथ पास तलबा भी बैठे हुए हैं कि टेस्ट को अगर इस साल ऐसा हुआ है दोबारा फिर ऐसे होगा, और हम सर दोबारा हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं फिज़िकल टेस्ट हो, अगर ऑनलाइन सिस्टम करना है तो स्कूल से ही हमें ऑनलाइन सिस्टम करके दें, क्योंकि बलोच तलबा नहीं जानते ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ कैसे करना है। ये है अगर तरक्की आपकी मसाइल हो आपके सामने खड़े हो, मैं समझता हूँ वो तालीमी इदारे कम और फौजी के सामने बैठते हैं, ये गवर्नर की तस्वीर है या गवर्नर हाउस, इन जत्थों से तुम्हारे मसले नहीं हो सकते हैं जिनको तुमने बताए, न तुम चादर को जाते हो न तुम चार दीवारी को जाते हो, तुम हमारे नफ्सियात से अभी तक वाकिफ नहीं, तुम हमें मजबूर हत्या के केस भी शामिल है जहां के बच्चे 150 और 30 से 25 से 30 लोग जो ओपन मेरिट
डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन कोटा पे जाते थे, वहां से धरना एक धरना है और दूसरा जो वर्ड के एक बच्चे को ला रहे हैं और तीसरा परसों